नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल माई सरकारी न्यूज पे। तो ऐसी बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आप सभी को पता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में पहला T20 मैच तो रद्द हो चुका था बारिश के कारण। दूसरा T20 मैच मोहाली में खेला गया कल शाम को 7 बजे से। इंडिया ने 7 विकेट से वो वाला मैच अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ विराट कोहली ने 3 बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 3 रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि भाई कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं विराट कोहली ने, तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में लास्ट तक। मगर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल आएगा, उसे दबा के और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो चलिए गाइस, अपन लोग बात करने वाले थे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दौरान विराट कोहली ने 3 बड़े रिकॉर्ड कौन से तोड़े हैं। मैं आपको बता दूं, उससे पहले रोहित शर्मा ने यहाँ पे कल ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं कल के मैच में, और ओनली 12 गेंदों में 12 रन लगाकर आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पे विराट कोहली आए थे बैटिंग करने के लिए और उसका साथ दे रहे थे यहाँ पे शिखर धवन। शिखर धवन यहाँ पे 40 रन लगाकर आउट हो गए चले गए। उन्हें बहुत बड़ा योगदान दिया है कल के मैच में शिखर धवन ने। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे विराट कोहली ने अपनी कमान संभाली और विराट कोहली बस तब तक विकेट से नहीं हटे जब तक कि टीम इंडिया ने जीत हासिल नहीं कर ली, और टीम इंडिया ने आखिरकार 7 विकेट से मैच जीतकर अपने नाम कर लिया और 1 ओवर बाकी भी रह गया। यानी दोस्तों 19 ओवर में ही टीम इंडिया ने ये वाला मैच जीत लिया था। उसके बाद यहाँ विराट कोहली ने 52 गेंदों पे 72 रन की एक नाबाद पारी खेली। उसके दौरान यहाँ पे विराट कोहली ने 3 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड की बात करें तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। इन्होंने यहाँ पे अपने ही टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा के अब तक टोटल 21 अर्धशतक हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। विराट कोहली ने यहाँ पे 22वां अर्धशतक लगा के साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। दूसरे नंबर रिकॉर्ड की बात करें तो वो T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन लगाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं विराट कोहली। 2440 रन है। दूसरे नंबर पे नाम निकल के आता है, वो निकल के आता है भारत के ही खिलाड़ी रोहित शर्मा का, 2434 रन है। विराट कोहली ने ये वाला रिकॉर्ड रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए बनाया है। तीसरे नंबर का रिकॉर्ड सामने निकल के यह आता है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कल के T20 मैच के बाद दुनिया के सबसे नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं तीनों ही फॉर्मेट में 50 की ज्यादा से औसत से रन लगाने वाले। दोस्तों आप नीचे कमेंट में जरूर से बताना क्या विराट कोहली के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो दोस्तों बस इस खबर में इतना ही था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए माई सरकारी न्यूज़।